और अगर मैं ये रॉकेट लॉन्चर ऐसे मार के देखूं तो वो ये देखो गाइस GTA 5 का रॉकेट लॉन्चर कितना ज्यादा ओपी है। यो व्हाट्स हैपनिंग गाइस, माय नेम इज लॉगी और आज हम फिर से अपनी दुबई वाली सिटी के अंदर मौजूद हैं। और गाइस आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलेगा क्योंकि गाइस वी आर गेटिंग सो क्लोज टू 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स। और गाइस आज आप ऑलरेडी मेरी स्क्रीन के टॉप के ऊपर देख सकते हैं कि वहां पर गाइस लिखा है माइन 10 ब्लॉक्स विद अ वुड पिकैक्स। और गाइस अगर मैं अपनी हार्ट्स की तरफ देखूं तो गाइस मेरी यहाँ पर चेंज हो चुकी है थोड़ी सी। तो गाइस नीचे आप देख सकते हैं कि वहां पर गाइस एक बड़ा सा कंट्रोलर वाला आइकॉन बना हुआ है। तो गाइस आज हम यहाँ पर खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट बट विद वीडियो गेम हार्ट्स। और गाइस चैलेंज मेरा बहुत ज्यादा सिंपल है, अभी मुझे जाना है पहले छपाती भाई के पास और उनको मुझे करना है चैलेंज। लेकिन गाइस उनको पता नहीं है कि मैं यहाँ पर सीक्रेटली वीडियो गेम हार्ट्स यूज करूंगा और ये छपाती भाई को गाइस ऐसा लगता है कि वो सीक्रेट बेस में बैठेंगे और मैं उनको कभी ढूंढ ही नहीं पाऊंगा। लेकिन नेम टैग तो मुझे यहाँ से दिख रहा है और मुझे गाइस एग्जैक्टली पता है कि उस सीक्रेट बेस के अंदर पहुंचने के लिए मुझे क्या करना है। तो ऐसे गाइस मैं नीचे आ गया और हेलो चपाती भाई कैसे हो भाई, मैं आ गया यहाँ पर आपके बेकार से जवाब है। ये कैसी आवाज है, ये कुकड़ वाली आवाज कैसे निकाल रहे हो आप? बंद करो भाई, सब कुछ सील कर दो भाई, तेरे को यहाँ पर आपको पता ना भाई, मुझे पता है इसके पीछे। ये देखो मैंने ऐसे शॉट घुमाई और इसके पीछे यहाँ पर सीक्रेट बटन लगा हुआ है, ये वाली शॉट होगी। अबे हेलो, मुझे लगता है गाइस चपाती भाई ने यहाँ पर चेंज कर दिया सीक्रेट बेस अपना। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन चलो तेरी भाई एक ही बार में ढेर एक ही हिट में ले गए तेरा सारा सामान यार यहाँ पर गिर चुका। अरे और थैंक यू भाई मेरा गोल्डन एप्पल, तू इस कचरे को सामान बोल रहा है। लेकिन चलो भाई आज ये सारा सामान मुझे नहीं चाहिए। ये देखो भाई मैं सारा सामान पहले मुझे चेस्ट के अंदर रखना है क्योंकि आज मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ पीवीपी के अंदर। तेरी भाई आपको उठा, चलो कोई बात नहीं आप उठा लो क्योंकि ये सामान आपको बाद में चाहिए होगा। तो रेडी होना चपाती भाई, मैं आपको तेरी भाई मुझे अंदर क्या कर रहे हो भाई, मैंने रेस्टोरेंट तोड़ देना है अंदर से, अंदर आओ जल्दी कर। ओके तो रेडी होना भाई, मैं आपको अभी चैलेंज कर रहा हूँ पीवीवी के अंदर। मैं जीत जाऊंगा पहले से ही भाई। अच्छा एप्पल आ चुके, वो भी एन्चेंटेड वाले। हाँ वो भी आपने मेरे ले लिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं। और चलो अभी शुरू करते हैं। तो मैं जा रहा हूँ सीधा इस तरफ जंगल के अंदर क्योंकि गाइस मेरा सबसे पहला चैलेंज आता है माइन 10 ब्लॉक्स विद अ वुडन पिकैक्स। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, मुझे ये सारी लकड़ियां पर तोड़नी है और मुझे गाइस एक्चुअली जानना है कि मुझे पहली वीडियो गेम वाली हार्ट कौन सी मिलेगी। और एक काम करते हैं, लकड़ी बचाने के लिए मैं अपने घर के अंदर वाला क्राफ्टिंग टेबल यूज करूंगा। तो अभी गाइस मुझे ओक लॉग्स रखनी है यहाँ पर, अभी मुझे इसकी बनानी है स्टिक्स, स्टिक्स के बाद मुझे यहाँ पर बनाना है अपना वुडन पिकैक्स। और अभी मुझे जल्दी से जाकर इस वुडन पिकैक्स के साथ मुझे 10 ब्लॉक्स तोड़ने हैं। और जैसे ही मैंने 10 ब्लॉक्स यहाँ पर तोड़ दिया मुझे अपनी पहली सुपर हार्ट यहाँ पर मिल जाएगी। अबे क्या स्पीड के साथ निकले चपाती भाई, मेरे पास यहाँ पर असली खजाना पड़ा हुआ है, मैं लेके आऊंगा। आज मैं तेरी दाल बनाऊंगा देखियो। हां भाई चपाती भाई पानी के अंदर घुस गए भाई, क्या छलांग आपने मारी। चलो भाग जाओ भाई यहाँ से, यहाँ भाई मेरे पास तो बिल्कुल आपको आना ही नहीं है। तो चपाती भाई तो गाइस अपना सीक्रेट खजाना लेने जा रहे हैं, लेकिन मुझे पता है उनके पास सीक्रेट खजाना तो है नहीं। और जैसे ही गाइस मैंने अपनी अगली ब्लॉक तोड़ी मुझे यहाँ पर मिल जाएगी अपनी पहली वीडियो गेम हार्ट। और आते ही मुझे मिल चुकी है यहाँ पर दी फोर्टनाइट हार्ट। और फोर्टनाइट हार्ट गाइस मुझे जैसे ही मिली मुझे ऑल्सो गाइस ये फोर्टनाइट वाली पिकैक्स भी मिल चुकी है। और मुझे एग्जैक्टली पता है गाइस कि फोर्टनाइट वाली पिकैक्स यहाँ पर बहुत ज्यादा तेजी के साथ यहाँ पर माइनिंग करती है। और वो हो ये तो लिटरली गाइस मैं क्रिएटिव से तेज यहाँ पर माइनिंग कर रहा हूँ, ये कितनी खतरनाक हार्ट है। तो ये फोर्टनाइट वाली पिकैक्स बहुत ज्यादा ओपी है। और अगर मैं अपनी इन्वेंटोरी खोल के देखूं तो मुझे ऑल्सो ये इमरजेंसी बटन भी मिला। वो इमरजेंसी बटन को हम मारेंगे यहाँ पे और रेड इज द इम्पोस्टर। वो अबे ये कौन है भाई, अबे ये अमंगस का इम्पोस्टर कहाँ से आ गया? अरे निकलो 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 यार यहाँ से। गाइस मेरे पीछे अमंगस का इम्पोस्टर पड़ चुका है भाई, उसके पास नाइफ भी आया। ये ले इम्पोस्टर कहेंगे। एक काम करते हैं पहले मैं इसको यहाँ पर नीचे भेजता हूँ फिर मैं इसको गड्ढे के अंदर मारता हूँ। और ये ले और मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि अगर मैंने इस कैरेक्टर को मार दिया तो मुझे यहाँ पर मिलेगी दी अमंगस हार्ट। और लेट्स गो गाइस, मुझे अमंगस हार्ट भी मिल चुकी है। और ऑल्सो मुझे ये कौन सी चीज भाई, समर प्रोफेसर। ओ मेरे पास तो गाइस अमंगस की नाइफ भी आ चुकी है, वो भी सस वाली भाई, इसके ऊपर मोटा मोटा लिखा भी है सस। तो इसका मतलब ये गाइस कि अभी माइनक्राफ्ट में इम्पोस्टर मैं बन चुका हूँ। अभी मैं देखता हूँ चपाती भाई कैसे पास आते हैं, लेकिन उसको छोड़ते हैं। और गाइस अभी मुझे समन करना है प्रोफेसर ओक को। तो अगर मैं ये अंडा यहाँ पे ऐसे मारू तो, अरे हेलो सर जी कैसे हो, ये तो डॉक्टर वाले सर जी यहाँ पर आ चुके हैं। और ये हमें बोल रहा है कलेक्ट 16 ओक लॉग्स फॉर प्रोफेसर ओक। ओके कोई बात नहीं, मैं इसके लिए 16 ओक लॉग्स भी लेकर आता हूँ। तो लकली मेरे पास यहाँ पर फोर्टनाइट की एक्स तो आ चुकी है। तो गाइस मैं 2 सेकंड के अंदर पूरा ट्री यहाँ पर माइन कर लूंगा। तो तोड़ो तोड़ो तोड़ो, और अभी मेरे पास आ चुके हैं 16 ओक लॉग्स। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये प्रोफेसर ओक मुझे अपनी अगली हार्ट देगा। तो ये ले प्रोफेसर सर जी, मैं तेरे लिए सारी ओक्स लेकर आ चुका हूँ। और ये तो यहाँ से गायब हो गया। और मुझे गाइस अभी मिली थी पोकेमोन हार्ट, और पोकेमोन हार्ट के अंदर से पहले मुझे ये पिकाचू का टेल मिला और उसके बाद समन मार
मारियो पार्कोर। तो पार्कोर समन करने से पहले मुझे पिकाचू वाली पावर टेस्ट करनी है, तो अगर मैं क्लिक करूँ तो ओहो भाई मेरे आसपास तो गाइस बिजली समन हो रही है। हेलो ये बिजली कौन समन कर रहा है? चपाती, अरे चपाती भाई मान भी नहीं सकते हमारी सिटी के अंदर थोड़ा चुका है, भाग जाओ यहाँ से। चलो थोड़ा चुका है, कार मारना आता नहीं कर थोड़ा का यहाँ पर। हाँ मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है भाई यहाँ पर कुछ ग्लिच चल रहा होगा तभी यहाँ पर बिजली आ रही है। मेरे को भी लग रहा है क्योंकि दिन दहाड़े बिजली तो कड़कती है। हाँ, हाँ। कोई बात नहीं, मैं सामान इकट्ठा करके आने वाला हूं। सिटी से बाहर रहो, आपके लिए यही सेफ है। मैं बाहर ही हूं, चलो। आप बाहर रहो। और ये देखो गाइस अभी हमारा मारियो पार्कोर भी यहाँ पर आ चुका है, और मारियो पार्कोर को कम्प्लीट करने के लिए पहले मुझे यहाँ पर ब्लॉक लगानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ग्लिच हो गया। और लेट्स गो, मैंने पहली जंप तो यहाँ पर कम्प्लीट कर दी, सेकंड जंप भी मैंने कर दी, ये वाली जंप भी मैंने कम्प्लीट कर दी, और सीधा गाइस लैडर के ऊपर अभी मुझे जाना है। और ऐसे गाइस साइड, और तेरी भाई मैं फिर से नीचे गिर गया। एक काम करते हैं गाइस, ये मारियो वाला पार्कोर तो बहुत ज्यादा हार्ड है, तो मैं ब्लॉक रख के चला जाता हूँ, ये मेरे लिए ज्यादा इजी होगा। रखो रखो रखो, और बिल्कुल मेरे सामने यहाँ पर एक चेस्ट भी आता है, और अगर चेस्ट खोल के देखो तो अंदर तो गाइस मारियो हार्ट पड़ी हुई है। तो मारियो हार्ट को अभी मैंने यहाँ से उठा लिया। और चपाती भाई कहाँ से? हेलो सर, चपाती भाई आप कहाँ से आ गए? अपने पास बुलाया यहाँ पर। ए भाई मुझे लगता है यार यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ ग्लिच चल रहा है, क्योंकि पहले यहाँ पर ये देखो भाई अचानक से यहाँ पर हवा के अंदर ब्लॉक्स आ चुकी है। इतने सारे ब्लॉक वो भी हवा के अंदर, इतने कैसे किया? अरे भाई मैं अपने लिए सीक्रेट बेस बना रहा था लेकिन काम नहीं किया यार, ये मैंने ऐसे यहाँ पर TNT मारा और यहाँ पर ब्लॉक्स आ गए। मेरे को अपना सामान इकट्ठा करना क्योंकि आज लौकी की बनाऊंगा दाल में। हाँ चलो देखते हैं भाई दाल कौन बनाता है। अरे भाई मैं तो यहाँ पर बच गया यार, क्योंकि गाइस अगर चपाती भाई ने मुझसे पहले वो चेस्ट खोल लिया था तो गाइस उनको वो मारियो वाली हार्ट मिल जाती। तो अभी मुझे करना क्या है? तो गाइस यहाँ पर लिखा है अगर मैं ऐसे स्नीक करके जंप मारूं तो वो गाइस मेरे पास तो मारियो की सुपर जंप आ चुकी है, लेट्स गो। और यहाँ पर ऑल्सो लिखा है कि गाइस मुझे यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल खोलना है, क्योंकि गाइस क्राफ्टिंग टेबल के अंदर से मुझे अपनी अगली रेसिपी मिलेगी। तो ये रही अपनी अगली हार्ट, और अगली हार्ट को क्राफ्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर चाहिए ढेर सारी डर्ट और ओक लीव। ओके मेरे पास गाइस यहाँ पर अभी इनफ आ चुका है, और जैसे ही मैंने ये वाली हार्ट उठा, ये कौन सी चीज आ चुकी है भाई? मैंने अभी यहाँ पर ढेर सारे विलेजर्स देखे, और ओ भाई यहाँ पर कितने सारे विलेजर्स आ चुके हैं, और ऊपर लिखा है हिट 10 विलेजर्स, सबका नाम भी है। तो सबसे पहले हम डैन को यहाँ पर मारेंगे, ये ले, और तेरी भाई क्या उड़ाई है। तो इसका मतलब ये कि अभी मुझे गाइस ये सारे रैंडम विलेजर्स को यहाँ पर मारने हैं। और तू काम भाग रहा है भाई, इसको पता है कि इसकी मौत आने ही वाली है। और आखिरी वाला काम पर है, ये रे तीन तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये तेरी भाई ये तो हवा के अंदर अटक चुका है, और ये ले। और गाइस इसी के साथ ही मैंने एक और हार्ट यहाँ पर अनलॉक कर दी, और अभी मैंने गाइस यहाँ पर अनलॉक कर दिया दी GTA 5 हार्ट, और इससे मुझे मिला समन पैकमैन मेज। तो ये गाइस हम बाद में करेंगे, और अभी मेरे पास गाइस आ चुका है GTA 5 का रॉकेट लॉन्चर। और अगर मैं ये रॉकेट लॉन्चर ऐसे मार के देखूं तो वो ये देखो गाइस GTA 5 का रॉकेट लॉन्चर कितना ज्यादा ओपी है। मैंने गाइस यहां पर कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन यहां पर क्रिएट कर दी। तो मुझे आल्सो ये वाली आइटम भी मिली है, तो इसके ऊपर लिखा है समन पैकमैन हार्ट। और चपाती भाई कहां से आ गए? ए मैं ढंग से काम ही नहीं कर पा रहा, क्या क्या है ये? अरे भाई मुझे लगता है बाबा टीटू यूगुश यहां पर आविष्कार कर रहा है। बाहर आ जाओ। ए भाई मुझे ये बाबा टीटू ने यहां पर भाई कुछ मेज बना के रखा है। भाई यार ये चपाती भाई मुझे पता नहीं यार बार-बार मेरे ट्रैप्स के अंदर क्यों आ रहे हैं, लेकिन एनीवेज चलो छोड़ते हैं। मैं लकली फिर से यहां पर बच चुका हूं, और इस चेस्ट के अंदर तो एक और हार्ट पड़ी हुई है, और अगर मैंने ये हार्ट यहाँ पर उठाई तो अभी मेरे पास यहाँ पर पैकमैन हार्ट आ चुकी है। और मैंने अभी देखा कि यहाँ पर एक और बंदा भी यहाँ पर समन हो चुका है। तो यहाँ पर लिखा है भाई ये कौन, ये पिगी वाला बंदा कौन है? हेलो सर जी कैसे हो? तो यहाँ पर गाइस लिखा है कि अगर मैं इसके साथ ट्रेड करूंगा तो ये मुझे देगा रोब्लॉक्स वाली हार्ट। तो ये अरे यार इसके लिए तो गाइस मुझे पोर्क चॉप्स चाहिए, तो तू यहीं पर ही रुक, मैं पोर्क चॉप्स लेकर आता हूँ। ये लो ये लो ये लो। अरे भाई ये गंदी कौन सी सस वाली नाइफ है यार, ये तो बड़ी बेकार सी नाइफ है यार। एक काम करते मैं फोर्टनाइट वाले पिकैक्स के साथ मारता हूँ इनको। और काम पर गया वो ट्रेडर, काम भाग रहा है यार ये तो मेज के अंदर खो गया। अरे ये रहा काम भागने की कोशिश कर रहा है, अच्छा कोने के अंदर भाई सीक्रेटली ट्रेडिंग कर रहा है ये। और निकाल मेरी रोब्लॉक्स हार्ट, और तेरी भाई ये तो मर गया यार। और रोब्लॉक्स हार्ट गाइस जैसे ही मुझे मिली, अभी मेरे पास आ चुका है स्पॉन हगी वगी, और फाइनल हार्ट ऑब्टेन करने के लिए मुझे हगी वगी का सामना यहां पर करना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास गाइस यहां पर GTA 5 का रॉकेट लॉन्चर तो है, तो मुझे डरने की बिल्कुल जरूरत भी नहीं है। तो इसको मैंने यहां पर समन कर दी, और आ गया वो, ये कितना बड़ा मॉन्स्टर यहां पर आ चुका है। और ये ले भाई ये GTA 5 का रॉकेट लॉन्चर, और ये तो भाई एक सेकंड में मर गया। और इसी के साथ ही गाइस मेरे पास यहाँ पर सारी वीडियो गेम हार्ट्स तो आ चुकी हैं, और अभी मुझे जाकर चपाती भाई के साथ यहाँ पर पीवीपी शुरू करना है। मौत आ रही है, ये क्या कान के अंदर उंगलियां मार रहा है? इधर आ, कान मत काम करो चपाती भाई, मैं वहीं पर ही खड़ा हूँ जहाँ पर भाई आप पहले आए। अच्छा वो रहे चपाती भाई, मौत आ रही इधर। गोलम कहाँ पे लेकर आ रहे हो? गोलम को दूर कर दो भाई, ऐसा क्या? चलो भाई फिर शुरू करते हैं। और मैं तो आती है पहले गोलम के ऊपर मैंने वार कर देना है। मेरे पास खतरनाक पावर आ चुकी है, ये ले गोलम कहीं से। अरे आपका गोलम जल रहा है, आपका गोलम गए यार। भाई आपका गोलम कुछ नहीं, वो देखा भाई मर गया आपका गोलम। इस गोलम का बदला बदल।
मैं इस गोलम का बदला तेरे से जरूर लूंगा, तू देखियो भाई तू पास आके आ। ये देखो मेरे पास यहां पर पावर की पावर्स आ चुकी है भाई, मेरे पास नहीं आना है भाई, भिड़ने की कोशिश नहीं कर रही है चपाती भाई। कैसे कर रहे हैं सारी चीजें? एक मिनट भाई, अभी मैं आपको, लेकिन मेरी एक भी हार्ट नहीं गई क्योंकि मेरे पास वीडियो गेम हार्ट आ चुकी है। ये ले तू, कितनी देर भाग रहा भाई, बड़ी मुझे यार गाइस, मेरी आधी से ज्यादा हार्ट जा चुकी है। मुझे यहाँ पर गोल्डन एप्पल खा लेना चाहिए, वो भी एन्चेंटेड वाला। कैसे कैसे पावर मार रहा तू भाई? भाई मेरे पास थोर की पावर आ चुकी है, और ये देखो अभी मेरे हाथ के अंदर क्या आ चुका है भाई, ये मेरे पास ये चाकू आ चुका है, चाकू से मारता हूँ। ये लो मारो, ये लो भाई, और ये क्या था भाई, ये तो गाइस पासा पुट्ठा पड़ गया। ए, मैं रेडी नहीं था यार, ये चीटिंग किया आपने। ए, पहले मेरा सामान मुझे वापस करो। अरे ये क्या कचरा, मेरे को नहीं चाहिए, ले। हाँ दे दो भाई, जल्दी से मेरा सामान वापस दे दो। थैंक यू थैंक यू। वो भाई सस्ती नाइफ, एक मिनट अभी मैं आपको सस्ती नाइफ दिखाता हूँ। ये लो ये लो, अभी ये लो। कुछ नहीं, हार गया भाई, तू हार गया। हेडशॉट भाई, मर गए आप। लेकिन पहले मैंने तेरे को मारा यार। तो गाइस ये भले ही मेरे पास गाइस वीडियो के हार्ट्स आ चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी मर गया। तो चलिए गाइस, आई थिंक अब इस वीडियो में इतना ही काफी है। तो होप यू एंजॉय, तो मेक श्योर टू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।